चौबीसों घंटे एक ही सोच रहती है, एक ही विचार रहता है, एक ही प्रयत्न रहता है। जैसी मुझे स्थिति प्राप्त होगी है, जैसे आनंद की अनुभूतियाँ मैं ले रहा हूँ, वैसे आनंद की अनुभूतियाँ प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो। तो कैसे प्राप्त हो, उसमें क्या दिक्कतें हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसका खूब गहराई से अध्ययन करके रहता हूँ। तो मैंने अध्ययन किया है, आप अपने अनुभव के आधार पर कि अध्ययन कितना आप पे लागू होता है, आप देखो। तीन हमारे शरीर के महत्वपूर्ण चक्र हैं। आज मैं केवल संक्षेप में उन्हीं तीन चक्रों के बारे में बताऊंगा। उन तीन चक्रों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आपका नाभि चक्र। नाभि चक्र है आप कितनी पूजा करते हो, कितने कर्मकांड करते हो, कितने मंदिरों में जाते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका नाभि चक्र विकसित है या नहीं है, इसके ऊपर आपकी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। आप अगर स्त्री है तो आपके पति के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, पति आपसे प्रसन्न है कि नहीं, पति आपसे खुश है कि नहीं। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री आपसे खुश है कि नहीं, पति पत्नी के संबंध हैं। यूट्यूब जैसे रहते हैं, जैसे साइंस के टाइम में रहते हैं यूट्यूब रहती है, उसमें अगर एक सिरे के अंदर 50 ग्राम पानी डालो तो बराबर दूसरे सिरे के अंदर 25 ग्राम पानी पहुँच जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी, जितनी भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी, उसकी आधी प्रोग्रेस आपके पार्टनर की होगी, तो आपके पार्टनर के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ आपके संबंध कैसे हैं, इसके ऊपर सारी आध्यात्मिक स्थिति की प्रगति निर्भर करती है। इसलिए आवश्यकता है आपको उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपके कोई भी गतिविधियाँ, कोई भी कारण ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे वो सामने वाला अप्रसन्न हो, क्योंकि उसके प्रसन्नता के ऊपर आपकी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। तो नाभि चक्र जब तक विकसित नहीं होता, नाभि चक्र जब तक खुलता नहीं है, तब तक बार बार हम सहस्त्रार्थ तक पहुँच के भी फिर नाभि के ऊपर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम प्रगति करते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन हमारी पत्नी फिर खींच करके हमको हमारे नीचे के स्तर पर लेके आती है, हमारा पति फिर खींच करके हमको हमारे स्थिति पर लेके आता है। तो जब तक हम उसको प्रसन्न नहीं करते, जब तक हम उसको खुश नहीं करते, जब तक हम उसको तृप्त नहीं करते, तब तक नाभि चक्र विकसित नहीं हो सकता। और जब तक नाभि चक्र विकसित नहीं हो सकता, तब तक आपकी आध्यात्मिक प्रगति कभी भी स्थायी रूप से नहीं रह सकती। आप किसी सानिध्य में, किसी अच्छी सामर्थ्यता में, किसी अच्छी कलेक्टिविटी में भले कुछ दिन प्रगति कर लें, प्रोग्रेस कर लें, लेकिन फिर आपका पार्टनर आपके टांग पकड़ के फिर आपको नीचे लेके आएगा। तो आवश्यकता है पहले पति पत्नियों के आपस में रिलेशंस अच्छे करो, आपस में संबंध अच्छे करो। जब तक संबंध वो अच्छे नहीं होते, जब तक प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये एक शरीर का महत्वपूर्ण चक्र है कि बार बार आपको शरीर के स्तर के ऊपर लेके आएगा ही। इसके बाद में दूसरा चक्र आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र में आपके माँ का और आपके पिता का स्थान है। आपको अध्ययन करना पड़ेगा आपकी माँ आपसे प्रसन्न है कि नहीं, आपके पिता आपसे प्रसन्न है कि नहीं, क्योंकि इनको ना पहचानना खूब कठिन है। मैंने पिता कितने भी नाराज़ हो, पिता कभी दिखाएगा नहीं कि मैं नाराज़ हूँ। माँ कितने भी नाराज़ हो, वो कभी दिखाएगी नहीं मैं नाराज़ हूँ। तो उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता को पहचानना खूब कठिन है। तो जब तक आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न नहीं है, जब तक आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति कभी भी स्थायी रूप से नहीं हो सकती। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, स्थायी रूप से। अस्थायी रूप से हो सकती है, टेम्प्ररी होगी, अच्छे वातावरण में, अच्छे सानिध्य में होगी, लेकिन टेम्प्ररी होगी, परमानेंट नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रगति स्थायी रूप से हो, आपकी प्रगति परमानेंटली हो, तो आप आपके माँ बाप के साथ रिलेशन सुधारो, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ें रहती है, उस जड़ों से सारे वृक्ष को पोषण मिलता है, ठीक उसी प्रकार से माँ बाप हमारे जीवन में वो है जिनके कारण हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है, हमारा शरीर निर्माण हुआ है, हमारे शरीर को लाने के लिए वो माध्यम बने हैं। तो जब तक हमारे रिलेशंस, हमारा संबंध हमारे माँ बाप के साथ अच्छा नहीं होता,
जब तक माँ बाप हमसे प्रसन्न नहीं होते, माँ बाप हमसे खुश नहीं होते, तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति स्थायी रूप से नहीं हो सकती। उसके लिए आवश्यकता है अब आपके माँ बाप को खुश करो, अब आपके माँ बाप को प्रसन्न करो ताकि उनके आशीर्वाद आपके आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो। और तीसरा चक्र है विशुद्धि चक्र। इस विशुद्धि चक्र का संबंध आपके भाई और बहन के रिलेशंस के साथ है। आपका आपके भाई के साथ कैसा रिलेशंस है, आपका आपके बहन के साथ कैसा रिलेशंस है, इसके ऊपर आपको आपके जीवन में यश प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके रिलेशंस आपके भाइयों के साथ अच्छे हैं, आपके बहनों के साथ अच्छे हैं, तो ही आपके आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो ये तीन रिलेशंस, ये तीन रिश्ते आपको संभाल करके आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से हम कितने भी थक जाएं, लेकिन चढ़ते समय हाथ निकाल के नहीं रख सकते कि नहीं चलो वापस आते समय हाथ लगा लेंगे, अभी हाथ निकाल के रख देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करते समय तुम इनको छोड़ करके चाहोगे तुम्हारी प्रगति होगी, कभी भी स्थायी प्रगति नहीं होगी। तुमको अगर आध्यात्मिक प्रगति करने का है तो इन सब के साथ तुमको रिलेशंस अच्छे करना पड़ेगा, तुमको आपकी स्थिति अच्छी करना पड़ेगी। जब आप उनसे रिलेशंस अच्छे करोगे तब आपको स्थायी प्रोग्रेस होगी। और दूसरा, उनके ऊपर अपने विचार डालने की कोशिश मत करो, उनको सुधारने की कोशिश मत करो। उनको सुधारने की कोशिश में तुम बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो, तुम अपने आप को सुधारो। इसीलिए कई बार कई जगह हम जाते हैं, विश्व शांति विश्व कल्याण खूब बड़ी बड़ी बातचीत होती है और बातचीतें बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं। विश्व शांति ना आज तक कभी हुई है, ना विश्व कल्याण आज तक कभी हुआ है, ना कभी होगा। कभी भी विश्व शांति नहीं होगी, कभी भी विश्व कल्याण नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, हमने हमारा जो कंसेप्ट है वही गलत पकड़ा है। हम विश्व यानी सारे विश्व को पकड़ लेते हैं कि विश्व शांति यानी सारा विश्व, विश्व कल्याण यानी सारा विश्व। नहीं, विश्व कल्याण यानी आपका विश्व, विश्व शांति यानी आपका विश्व। आप आपके विश्व के और आपका अधिकार है ना, आप अपने आप को सुधार सकते हो, दुनिया को थोड़ी सुधार सकते हो। तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए तब दुनिया भी सुधरी, हम आप और हम सुधार लेंगे क्या? कभी भी नहीं सुधार सकते। अगर आपको आपकी दुनिया सुधारने की, आपको आपका विश्व सुधारने का है, आपको आपका विश्व सुरक्षित करने का है, तो आप अपना विश्व सुरक्षित कर सकते हो। अपने विश्व से मेरा आशय वो निजी विश्व से, वो निजी ओरा से, वो निजी हवामंडल से जो 20-25 फीट का आपके आसपास वो सदैव रहते हैं, उसको आप सुधार सकते हो। उसके अंदर विश्व शांति ला सकते हो, उसमें विश्व कल्याण ला सकते हो। ऐसा अगर प्रत्येक व्यक्ति ने किया तो हो सकता है एक दिन विश्व शांति आए, अन्यथा विश्व शांति विश्व कल्याण केवल बातें, प्रैक्टिकल में कभी भी संभव नहीं है। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के अंदर उनके हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था, डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। शिविर जैसे समाप्त हुआ डॉक्टर ने प्रश्न किया, समझिए आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया डिसेंट्री तो बहुत पास की बात कर रहा हूँ, मैं जिस कार से आता हूँ उसका कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उन सबको खूब आश्चर्य लगा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं, मेरे कार का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, वो अपना विश्व खुद निजी निर्माण करता है, यानी उसका अपना विश्व रहता है, उसकी अपनी दुनिया रहती है, और वो दुनिया सिर्फ उसके आसपास रहती है, हवामंडल के रूप में रहती है, उसके ओरा के रूप में रहती है। 20 फीट में 25 फीट में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, 20 फीट में 25 फीट में कोई बुरा प्रभाव नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, वो सब में से मुक्त रहता है, उसका निजी उसका विश्व रहता है। और वो विश्व के कोने में कहीं पर भी चला जाए तो वहाँ विश्व की शांति रहती है, विश्व का कल्याण रहता है, और वो विश्व उसका एक जैसे रहता है। अभी हाल ही में मैंने अरबस्तान की यात्रा की, ओमान गया था, दुबई गया था, अबूधाबी गया था। तो भारत से एक साधक ने चिंता व्यक्त की, स्वामी जी आप अरब लोगों के पास जा रहे हो, उनको मेडिटेशन सिखा रहे हो, उनको ध्यान सिखा रहे हो, क्या वो सीख रहे हैं क्या, वहाँ आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है?
तो उस समय कुछ शेखों को मैं ध्यान सिखा रहा था, उनको मैं मेडिटेशन सिखा रहा था, तो उसका एक फ़ोटो किसी ने निकाला था, वो फ़ोटो मैंने उसको व्हाट्सएप किया और उसको बताया मेरे पास की दुनिया वैसी है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ, किसी भी रास्ते में जाऊँ, किसी भी मार्ग में जाऊँ, किसी भी देश में जाऊँ, एक सर की दुनिया है, एक सर के सीखने वाले हैं, एक सर के ग्रहण करने वाले हैं, एक सर के लेने वाले हैं, वो अलग अलग जाति के हों, अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग देश के हों, लेकिन मेरी दुनिया वैसी है, ठीक उसी प्रकार से है। ऐसा एक छोटा सा विश्व, एक अपनी निजी दुनिया आप भी अपनी बना सकते हो। अभी हाल ही में गोवा में आश्रम है, पहले मैं अलग अलग देशों में जाता था, अलग अलग देशों में जाके तीन तीन दिन के शिविर करता था, और तीन तीन दिन के शिविर करने में लोग बोलते थे तीन दिन में मज़ा नहीं आया, मेरे को आठ दिन करने का है, लेकिन आठ दिन में खूब पैसे खर्च होते थे और रिसोर्ट का भाड़ा खूब रहता था। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया, आप एक काम करो, आप सब गोवा के आश्रम में आ जाओ, आठ दिन तुम्हारे रहने खाने पीने का सब अरेंजमेंट्स मैं करता हूँ, सिर्फ टिकट का खर्चा आपको लगेगा। तो उसका दो फायदा हुआ, एक तो आठ दिन का शिविर गोवा में चालू हुआ, और दूसरा जापान का अच्छा साधक कनाडा के अच्छे साधक को मिल पाया। नहीं तो होता क्या था, मैं कनाडा वाले को मिलता था, मैं जापान वाले को मिलता था, वो दूसरे को एक दूसरे को कभी नहीं मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, विश्व के सारे साधक 22 दिसंबर को गोवा आश्रम में एकत्र होते हैं, प्राण दिन हम सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहाँ पे विश्व की समस्या के ऊपर चर्चा हुई। और आपको आश्चर्य होगा, सब देशों के अंदर एक ही समस्या है, वो है सुरक्षा की। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, मार्ग है आप अपना निजी विश्व निर्माण करो। अगर निजी विश्व निर्माण करोगे, आप आपके अंदर से और आप आपके बाहर से दोनों तरफ से सुरक्षित रहोगे। अंदर से सुरक्षित का मेरा आशय, जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 20 और 35 साल के उम्र के लोग अधिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दूसरा, जितनी आत्महत्या होती है, आत्महत्या भी इसी रेंज की होती है, 20 और 35 के साल के उम्र के अंदर लोग आत्महत्याएँ नहीं करते, ये यानी भीतर का दुर्घटना, बाहर के दुर्घटना से आशय एक्सीडेंट से है। तो अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे, तो आपके आसपास एक सकारात्मक विश्व निर्माण हो जाएगा, और सकारात्मक विश्व निर्माण होने के बाद में फिर आपके आसपास कोई भी बुरा कार्य आपसे होगा ही नहीं, कोई भी बुरे लोग आपके आसपास आएंगे ही नहीं, आप सबसे बचे रहोगे। तो एक ऐसा विश्व, सुंदर विश्व, कल्याणकारी विश्व आपके आसपास आप निर्माण कर सकते हो। और ये निर्माण करने के लिए आवश्यकता है ध्यान करने की, आवश्यकता है मेडिटेशंस करने की, और मेडिटेशंस करने के बाद में सब कुछ संभव है। जिस प्रकार से शरीर के तीन चक्र से हमारा संबंध शरीर भाव के साथ है, हमारे शरीर भाव को कम करने के लिए इन तीन चक्रों को विकसित करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से केवल 30 मिनट आप आपके दिन के रोज अगर अपने आप के लिए देते हो, तो ये आपके जीवन के अंतिम समय तक आपके साथ में रहेंगे। 30 मिनट देना है क्या, आप 30 मिनट सवेरे एक स्थान के ऊपर बिना अपेक्षा से 30 मिनट ध्यान करो। देखो, अपेक्षा से मतलब आप 30 मिनट ध्यान करने के बैठे हो, ध्यान लगना चाहिए ये भी अपेक्षा मत करो। आप ये भी अपेक्षा करते हो तो भी आपके अंदर आपके साधना में अशुद्धि आ जाती है, आपके साधना की शुद्धि नहीं रहती। उसके शुद्धता के लिए कोई भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए, माने मेरे को ये ठीक हो जाना चाहिए, मेरा ये भला हो जाना चाहिए, मेरा ये सब अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसे कोई भी अपेक्षा रख के अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान अशुद्ध हो जाता है, फिर आप आपके स्थिति को सुधार नहीं सकते। इसलिए मैं बोलूँ एकदम छोटी सी अपेक्षा कि मैं ध्यान करने बैठा हूँ, मेरा ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा मत करो। ऐसा निरपेक्ष भाव से अगर आप ध्यान करते हो तो 30 मिनट ध्यान करना काफ़ी है, ये 30 मिनट में आपकी दुनिया बदल जाएगी। दूसरा, अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा वर्ष मनाया गया, और योगा वर्ष में अलग अलग योगासन के ऊपर अत्यधिक जोर दिया गया। लोग खूब योगा करते थे, खूब योगासन करते थे, लेकिन योग का केवल एक पार्ट, योग का केवल एक अंग योगासन है। योग संपूर्ण योग में योगासन का महत्व एकदम स्टार्ट है, प्राइमरी है, लेकिन चलो कुछ तो शुरुआत हुई। देखिए, अत्यधिक योगा अगर करेंगे
उसके ऊपर भी केंद्रित करेंगे तो भी उसके नुकसान है। कैसे मैं बता दूँ, मेरी ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी यात्रा है, इसके पहले मैं ब्रिस्बेन में आ चुका हूँ। और ब्रिस्बेन में एक योगा इंस्टीट्यूट के अंदर जब मैं प्रवचन देने के लिए गया था तो वहाँ पर मेरे को 5 योगा टीचर मिली थी, और 5 योगा टीचर मिली थी, वो 5 योगा टीचर जिस प्रकार से अगर फैक्ट्री से एक साइज की गुड़िया निकलते ना, वैसे 5 योगा टीचर एक ही फिगर की एक ही जैसी निकली हुई थी। और वो 5 मिलने के लिए आई, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिया कि स्वामी हम योगा टीचर हैं। तो जैसे उन्होंने योगा टीचर लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि योगा टीचर है तो उसकी स्थिति को अच्छी हुई। तो उनका शरीर सुडौल सुंदर था लेकिन चित्त एकदम कमजोर एकदम वीक था। वो 5 का समान था, कमजोर चित्त वीक चित्त। तो मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में वो दिन चला गया, दूसरे दिन सवेरे अचानक मेरे को मेरी नानी याद आ गई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी, आयना देखती थी, तो नानी जोर से डांट लगा देती, बार बार आयना मत देख, बार बार मिरर मत देख। तो मेरे को लगता था वो लड़की मिरर देख रही है, वो लड़की आयना देख रही है, मेरे नानी का क्या जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला वो लड़की आईने में अपने शरीर को देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और शरीर नाशवान है। अगर अधिक चित्त शरीर के ऊपर अगर रखते हैं तो आपका चित्त नष्ट होता है। ठीक वही का वही उन योगा के टीचर के साथ हुआ था। उसके बाद फिर एक दूसरे कार्यक्रम के अंदर फिर मुझे वो मिली, तो मैंने उनको बताया आप अत्यधिक आपका शरीर के ऊपर ध्यान है ना, इसलिए आपका चित्त वीक हो गया है, चित्त कमजोर हो गया है। तो उन्होंने बताया हाँ स्वामी हमारा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, हम तो हमारी फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला फिगर बन गई लेकिन चित्त का नाश हुआ उसका क्या। बोले स्वामी हाँ हुआ तो है, अब क्या करें। मैंने उनको बोला अब एक काम करो, रोज़ 1 घंटा, लोगों ने पागल बोला तो चलेगा, रोज़ 1 घंटा आकाश को देखो। तो क्या हुआ मैं? जैसे आकाश नाशवान नहीं है तो धीरे 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 आपके चित्त को शक्ति मिलेगी और चित्त शुद्ध होगा, चित्त पवित्र होगा। इसलिए आवश्यकता है केवल योगासन तक उसको सीमित मत रखो, योग को संपूर्ण समझो। समझने के बाद में वो चित्त शुद्धि का मार्ग है, और चित्त शुद्धि के मार्ग के बाद में आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता है, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। अगर आप योगासन करते हो तो उसका एक फायदा है, वो आपको ध्यान में प्राप्त होगा। ऐसे बता दो, जैसे आप 30 मिनट ध्यान करने बैठते हो तो 30 मिनट में पहले 10 मिनट तो आपका शरीर ही विरोध करता है। वास्तव में क्या रहता है, आपका आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। जहाँ खुजली नहीं छूटती वहाँ खुजली छूटेगी, जहाँ खांसी नहीं आती वहाँ खांसी आएगी, जहाँ मैंने क्या बोलते हैं शरीर एक एक आपका विरोध करेगा कि वो आपको वहाँ स्थिर बैठने नहीं देगा। अगर समझ लो आपने जैसे जैसे वो 10 मिनट पास कर लिए उसके बाद में फिर आपका मन विचलित होगा, कभी इधर के विचार आएंगे, कभी उधर के विचार आएंगे, कभी इधर के विचार आएंगे, फिर उधर के विचार आएंगे, ऐसे खूब देर तक विचार आते रहेंगे। उसके बावजूद भी फिर आप 10 मिनट बैठे रहे, फिर बुद्धि जागृत हुई, और बुद्धि जागृत होकर वो आपको समझाने का कोशिश करेगी ध्यान व्यान तेरे बस का रोग नहीं है, ध्यान तेरे से होने वाला नहीं, उठ जा, ध्यान तेरे से नहीं होगा। और दूसरा फिर एखादा कुछ तो इतना जरूरी काम आपको याद दिलाएगी कि उस काम के बहाने आप ध्यान में से बाहर आ जाओगे, और जैसे ही ध्यान से बाहर आओगे वो काम भी नहीं करोगे। वास्तव में आपको उठाने के लिए, आपको वहाँ से हटाने के लिए वो बुद्धि ने वो प्रयोग किया था। तो एक ध्यान रखो 30 मिनट, मेरे शब्दों को समझो 30 मिनट, अपेक्षा के साथ ध्यान मत करो। ध्यान लगे ये भी अपेक्षा मत करो, 30 मिनट मेरे को बैठने के लिए। जिस प्रकार से हम कोई चीज़ दान करते हैं तो दान करने के बाद में उस चीज़ को मांगते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार से 30 मिनट परमात्मा को दान करो। और दान करने के बाद में ध्यान लगे नहीं लगे, विचार आए चलेगा, बुद्धि कुछ बोले तो चलेगा, भुजा छूटे तो चलेगा, कुछ भी हो, शरीर विरोध करे तो 30 मिनट वहाँ से उठने का नहीं। ऐसा प्रयोग आप 45 दिन करके देखो, और 45 दिन में आप देखोगे धीरे 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 बुद्धि स्थिर होना चालू हो जाएगी, मन स्थिर होना चालू हो जाएगा, उसके बाद में शरीर स्थिर होना चालू हो जाएगा। हाँ अगर आप योगासन करते हैं तो योगासन का फायदा आपको ये पहले 10 मिनट में मिल सकता है। क्या होता है मालूम है, योगासन करके आपका आपके सांस के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, कितने देर तक सांस लेने का, कितने देर तक सांस छोड़ने का, कितने दिन हाथ को ऐसा रखने का, कितने देर पैर को ऐसा रखने का, यानी शरीर के ऊपर, शरीर के अवयव के ऊपर धीरे 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 आपका नियंत्रण होने लग जाता है।
सांस के ऊपर आपका नियंत्रण होने लग जाता है, और सांस के ऊपर नियंत्रण होने के कारण आपका आपके विचारों के ऊपर, आपका आपके मन के ऊपर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये योगासन की साधना आपको ध्यान करते समय अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। तो ये एक मार्ग है कि आप योगासन के माध्यम से भी वहाँ तक पहुँच सकते हो। दूसरा मार्ग है, अगर आप चैंटिंग करते हो तो चैंटिंग करते 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 भी उस समाधि स्तर तक पहुँच सकते हो जहाँ से जीवंत गुरु का रास्ता खुलता है, मार्ग खुलता है, वहाँ तक भी जा सकते हो। अनेकों मार्ग है, अलग रास्ते हैं, आप किस रास्ते जाना चाहो जाओ। एक बार मैं कनाडा जा रहा था तो मुंबई के एयरपोर्ट पे वहाँ के मैजिस्ट्रेट है तो वो थोड़ा मेरे को सुविधाएँ देते कि मेरे को ज़्यादा भीड़ में जाना नहीं पड़े, ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़े, ऐसा करके उन्होंने एक रास्ता बनाया, मार्ग बनाया, और एकदम लास्ट कैबिन पे दिया कि मेरे को छोड़ दिया। और वहाँ पे देखा तो एक धष्ट पुष्ट पुलिस वाला वहाँ बैठा हुआ था, और उसके बाद में वो आके मेरे पीछे लग गया। मेरे को बोला स्वामी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रखो। मैंने उसको बताया मेरे को सर पे हाथ रखने के लिए कोई तकलीफ नहीं, मेरे को प्रश्न है कि तेरे को वो सहन होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं था, एकदम धष्ट पुष्ट पुलिस वाला था। उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए, खूब जोर से दबा रहा था, और दबाने के बाद में उसने बोला जब तक आप मेरे सर पे नहीं हाथ रखोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। बाद में मरता क्या ना करता मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, और जैसे सर के ऊपर हाथ रखा उसने ड्रेस के अंदर ही पूरा साष्टांग दंडवत डाल दिया हुआ, और उसके बाद में फिर पागलोसरी का हंसने लग गया, और मैं पागलोसरी का रोने लग गया। तो एक पत्रकार बैठी हुई थी, उसने मुझे पूछा स्वामी जी ये क्या आपका शिष्य है क्या? मैंने बोला नहीं। तो फिर उसको पूछा कि पागलोसरी का क्या हंस रहा है, पागलोसरी का क्या हो रहा है? उसने बोला मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूँ, अभी गुरु पूर्णिमा हुई मैं जाके आया अक्कलकोट, और वहाँ स्वामी को प्रार्थना की स्वामी आपके कृपा में जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, अब मेरी इच्छा है आप मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो, आप मुझे आत्म जागृति करा दो। और जैसे ही ये स्वामी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा मुझे मेरे स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए। तो कहने का मतलब समाधिस्थ गुरु वह स्थान है जिस स्थान से जीवंत गुरु तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन आवश्यकता है आप वो मांगो, आप प्रार्थना करो। जब तक आप इच्छा नहीं करोगे तब तक वहाँ से नहीं मिलेगा, आपको इच्छा करना पड़ेगी, आपको मांगना करना पड़ेगा, और मांगने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक ऐसे माध्यम आएगा जिस माध्यम से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में आपको महसूस होगा कि आपके भीतर परमात्मा गुरु के रूप में अंदर ही बैठा हुआ है। इसके अंदर देखिए जीवंत माध्यम, जीवंत गुरु वास्तव में आत्म साक्षात्कार नहीं करता, आत्म साक्षात्कार उसके सानिध्य में घटित हो जाता है। ये अंतर क्या है थोड़ा समझो, माने वो कुछ नहीं करता, वो कोई भी करने की स्थिति के बाहर चला जा चुका है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके सानिध्य में आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ, जैसे समझ लो एक मोमबत्ती है वो अपने स्थान के ऊपर जल रही है, उसके बाद में एक बुझी हुई मोमबत्ती है, वो बुझी हुई मोमबत्ती की इच्छा है कि जैसे मोमबत्ती जल रही है इसी में भी जलूँ, और वो जलने की इच्छा से धीरे 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 उसके ओर आकर्षित होती है, और आकर्षित होने के बाद में ये जो जलती हुई मोमबत्ती है इसके मोमबत्ती के लोह के साथ इसकी लोह स्पर्श हो जाती है, और जैसे स्पर्श हो जाती है ये बुझी हुई मोमबत्ती भी जल उठती है। तो ये जली हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है क्या? नहीं, जली हुई मोमबत्ती अपने स्थान पर जलती रहती है, बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से उसके पास में आती है और जैसे स्पर्श करती है ऑटोमेटिकली वो जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया ना मोमबत्ती जलाने और बुझाने की स्थिति के बाहर है, वो अपनी जगह जलते रहते कुछ नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से जीवंत गुरु का भी है, वो भी कुछ करने की स्थिति के बाहर रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको समर्पित होते हैं, जैसे हम उसको समाहित होते हैं, जैसे मैंने YouTube का बताया पति पत्नी का, बिल्कुल वैसा का वैसा गुरु शिष्य का नाता है। जैसे गुरु के पास जो कुछ ज्ञान है, गुरु के साथ जो कुछ नॉलेज है, जैसे आप उसके साथ समाहित हो जाते हो, ये समर्पण से भी और ऊपर का स्थिति है। समाहित होना यानी आप आपका अस्तित्व उसके सानिध्य में खो देते हो, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर की सारी शक्तियाँ, उनके अंदर का सारा नॉलेज, उनके अंदर का सारा ज्ञान आप में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। उसको वो रोक भी नहीं सकता है और वो उसको आपको दे भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। वास्तव में एक बार
मैं अहमदाबाद में जैन मुनियों का शिविर ले रहा था। वो जैन मुनियों के शिविर में उनके गच्छाधिपति ने मुझे लेटर लिखा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपको संस्कृत भाषा आती है, इसलिए आपने हमारे जो मूल ग्रंथ हैं आध्यात्मिक सार और बिंदु तत्व, ये दोनों पढ़े हुए हैं और इन सब की बातें पढ़ करके आपने आपके पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है, तो पत्र को लिख के मैंने मेरे जेब में रख लिया। उसके बाद में जब उनका शिविर समाप्त हुआ, शिविर समाप्ति के बाद में उनके गुरु को मिलने के लिए गया और उनको एक बात बताई, पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, दूसरा संस्कृत भाषा मुझे आती नहीं है और ना मैंने वो आपके ग्रंथ कोई पढ़े हैं, लेकिन कुछ जैन गुरुओं के साथ हिमालय में उनके साथ कुछ दिन रहा और रहने के बाद में उन्होंने मुझसे जैन धर्म पे कोई बातचीत नहीं की, हमारी जैन धर्म पे कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनके भीतर जो जैन धर्म का ज्ञान था, जो जैन धर्म का नॉलेज था, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद में वो मेरे हाथ से उस पुस्तक में लिखा गया है। तो उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, मैंने उनसे सीखा नहीं, तो ये स्वयं भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हुआ। हमको क्या रहता है, हमको वही ज्ञान मालूम है, हमको वही नॉलेज मालूम है जो कोई दे सकता है या हम दे सकते हैं, लेकिन मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूँ, उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो कोई ले भी नहीं सकता और कोई ले भी नहीं सकता। जैसे आप उससे समरस हो जाते हैं, समरस हो जाने के बाद में उनके अंदर का ज्ञान आपके भीतर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास ज्ञान का पार भंडार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ समरस होते हैं वो आपको अनायास ही प्राप्त हो जाता है, नहीं तो वो गुरु अपने पास का खजाना लेकर इस दुनिया से ऊंच कर जाते हैं और वो चले जाने के बाद में फिर गुरु के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आवश्यकता है वर्तमान में रहो और वर्तमान में ध्यान करो और निरपेक्ष भाव से ध्यान करो। एक 30 मिनट ध्यान करना आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगा। दूसरा कुछ नहीं, सामान्य सा मंत्र है, मंत्र के शब्द भी सामान्य हैं, कुछ भी नहीं, वो वाक्य हैं, लेकिन वो वाक्य के ऊपर सारे लाखों साधकों की सामर्थ्यता जुड़ी हुई है और मेरा 60 हज़ार की साधना जुड़ी हुई है। वही है केवल मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन यह शब्द नहीं है, इसके पीछे 60 साल की साधना है, लाखों साधकों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी है। तो जैसे आप उसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली आपको भी एक स्थिति प्राप्त हो जाती है, आपको भी वो सामूहिकता प्राप्त हो जाती है, आपको भी वो कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाती है और एक स्थिति के आप भी अनुभव करने लग जाते हैं। लेकिन इसको केवल बोलना नहीं, ये केवल शब्द नहीं, इसके अर्थ को भी समझने की आवश्यकता है, आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप जब बोलते हो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो आपको महसूस करने का है। आपने अलग अलग देशों में जन्म लिया तो भी आपकी पवित्रता बनी हुई है, आपने अलग अलग धर्मों में जन्म लिया तो भी आपकी पवित्रता बनी हुई है, आपने अलग अलग जाति में धर्म लिया तो भी आपकी पवित्रता बनी हुई है, आपने अलग अलग भाषा में जन्म लिया तो भी आपकी पवित्रता बनी हुई है, यानी पवित्रता इन सब से परे है। दूसरा, जब आप बोलते हो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप भूल जाओ कि आप कौन हैं, आप कौन से देश के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से भाषा के हो, कौन से रंग के हो, आप ये भी भूल जाओ आप स्त्री है पुरुष है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा कोई स्त्री नहीं होता, आत्मा कोई पुरुष नहीं होता, आत्मा आत्मा होता है। तो ऐसा अगर आप महसूस करोगे तो आप देखोगे आप एक अनुभूति को प्राप्त हो गए, अनुभूति प्राप्त करना यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। और ये एक ही पद्धति से विश्व के सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, तो सारे दुनिया में घूम के आने के बाद में मैं आपके पास में आया हूँ, आप प्रयोग करके देखो, आप मेरे साथ ध्यान करो थोड़ी देर, आपको महसूस होगा एक अनुभूति और एक शून्य का स्थिति। तो हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बैठ सकते हैं और नीचे बैठो।
तो इस ध्वनि से आपको एक सहायता मिलेगी आपको आपके दोष निकालने में।
अब हम प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हम ऑस्ट्रेलिया की सर्वांगीण प्रगति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हे परमात्मा, ऑस्ट्रेलिया की सर्वांगीण प्रगति हो, यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। कुछ नहीं, आप कल से ऐसा कर सकते हैं कि 45 मिनट मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा 3 बार बोलने का और 45 आधा घंटा बैठे रहने का। उसके बाद फिर आपके ऊपर क्या परिणाम होगा आपका देखो ना। सबको अगर आपको ज़्यादा विचार आ रहा है, इसको आप चैंटिंग से लेकर आधा घंटा कर सकते हैं, प्रयोग करते देखो 45 दिन, आपको आपके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। बाबा साहब प्रणाम। मेरे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा आता है कि हमको अपने जीवन जीने के लिए अन्न खाए या कुछ भी खाए, इसे मारना क्यों पड़ता है? प्रश्न ये समझा आपका प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि कहा गया कि आप हमें कुछ खाना है तो हमें कुछ खाने के लिए हमें या तो कुछ भी अन्न भी खाएं, अन्न भी तो हमें अन्न को मार के ही खाना पड़ता है, यानी जिंदा पेड़ है, जिंदा जो कुछ है, तो जीवन को खा करके हमारा जीवन आगे बढ़ता है, क्यों ऐसा क्यों है? अपना रेगुलर कुछ दिन ध्यान करो, ध्यान करने बाद में फिर जो खाने के लिए उचित है वही खाओगे, जो उचित नहीं वो नहीं खाए। इसलिए इसके अंदर कोई उद्देश्य नहीं है, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, कुछ भी नहीं बोलते। आप सिर्फ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने के बाद में आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे एक लालटेन है नहीं, लालटेन के अंदर अगर हमने दिया जला दिया तो ऑटोमेटिकली उसके कांच पे कौन से दाग हैं वो दिखेंगे। तो जो भी गलत तुम खा रहे हो या जो भी गलत तुम पी रहे हो उनको दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन हम बाहर से नहीं बोलेंगे कि ये मत खाओ, ये मत पियो, अपना अपना निर्णय तुम खुद लोगे। तो आत्मा को जागृत करो महत्वपूर्ण वो है।
एक प्रश्न है स्वामी जी, काम क्रोध मद लोभ द्वेष ईर्ष्या ये सब चीज़ें जो है ये ध्यान में बैठने से कम हो जाएंगी जब ध्यान में नित्य रूप से व्यक्ति बैठ सके, ऐसा मेरे समझ में। ध्यान में बैठने में सबसे ज़्यादा रुकावट दो चीज़ों की आती है, वो आती है जो मेरे लिए वो आती है अति निद्रा और आलस्य। इन दोनों को मैं कैसे काटूं कि मुझे अति निद्रा नहीं आए और आलस्य नहीं आए ताकि मैं ध्यान में बैठ सकूं। नहीं, अति निद्रा और आलस्य दोनों लेफ्ट साइड की समस्या है, चंद्र नाड़ी की समस्या है। जब हमारी चंद्र नाड़ी कमजोर रहती है तब ये प्रॉब्लम निर्माण होती है। ध्यान करने के हम बैलेंस हो जाते हैं और बैलेंस होने के बाद में जितनी आपको आवश्यक है उतनी नींद आती है, कम नींद भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन देती है, तो खूब नींद देने का भी जरूरत नहीं रहता है। वास्तव में क्या रहता है, खूब नींद कौन लेता है जो खूब ज़्यादा विचार करता है, उसका माइंड सकता है। जब आप निर्विचार का न रहोगे तो आपको ज़्यादा विचार ही नहीं रहेंगे, फिर ज़्यादा सोने की भी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए योगियों की नींद बहुत कम रहती है। बाबा जी मेरे दो प्रश्न हैं, एक है कि हम तो अपने माता पिता से और भाई बहनों से दूर रहते हैं तो उनसे कैसे हम अपना संपर्क को अच्छा करें, एक वो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम में से कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, भूख मिट जाती फिर भी खाते हैं, तो उसको कैसे हम कम करें कि हमारा शरीर ठीक रहे। दोनों बातें, एक तो भाई बहनों से या माँ बाप से ना फोन से बातचीत कर सकते हो, फोन अगर महंगा पड़ता है तो चिट्ठियाँ लिख सकते हो, माने ना तुम भले ही दूर हो, तुम दूर हो या मत महसूस करो, तुम उनको याद करते हो, तुम क्या बोलते हो उनके बारे में सोचते हो, इतना ही उनके लिए काफ़ी रहता है। तो किसी भी माध्यम से याद कर सकते हो, फोन के माध्यम से याद कर सकते हो, चिट्ठी लिख करके याद कर सकते हो, तो भी हो सकता है। और रही बात खाने की, खाना भी ना खूब अति खाना ये भी इनबैलेंसिंग की निशानी है, तो क्या बोलते हैं ना ये सब शरीर से संबंधित है। आप जैसे ही ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब एक प्रकार का संतुलन आपके भीतर निर्माण हो जाएगा, और निर्माण हो जाएगा ना फिर आपको एक समाधान प्राप्त होगा। समाधान तो इसीलिए ना टेंशन में जो लोग ज़्यादा रहते हैं ज़्यादा खाते हैं, ऐसा प्रकार है। तो जब आपका टेंशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खाना भी कम हो जाएगा। बाबा जी एक इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि खाना कितनी बार खाना चाहिए और कितना परिमाण में खाना चाहिए। नहीं, ये प्रत्येक का अलग अलग है, एक चट्टी सबको नहीं पहनाई जा सकती ना। मैंने जिनको गुरु माना हुआ है परमहंस योगानंद जी, जिनका क्रिया योग मैं रोज़ करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, जीवंत तो नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था ऐसा कि जो भी मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा उस पर मेरी कृपा रहेगी। तो गुरु का वैसा होना भी ठीक है कि जीवंत होना आवश्यक है। नहीं, हम ना गुरु को ऐसे शरीर के हिसाब से परिभाषित करते हैं, वास्तव में गुरु एक प्रवाह है। जैसे नदी इतनी अपन नदी के घाट के ऊपर बैठे हैं, नदी का ऐसा प्रवाह आ रहा है, उसके बाद में एक प्रवाह चला गया तो हम देख सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि वो चला गया है, वो चमक रहा है, दिख रहा है। लेकिन पानी पीने को बोलेंगे तो घाट का ही पानी पीना पड़ेगा ना, वो पानी हमारे कुछ काम का नहीं क्योंकि वो प्रवाह से चला गया। दूसरा एक पानी आ रहा है, वो आ रहा है खूब दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, वो दिख रहा है, चमक रहा है, महसूस हो रहा है, आवाज़ सुना है, यदि हमें प्यास अभी लगी ना तो वो पानी नहीं पी सकते, हमको हमारे घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। ये मेरा खुद का अनुभव, जब तक मेरे जीवन में जीवंत गुरु नहीं आए तब तक मेरे को भी अनुभूति प्राप्त नहीं। तो आपको अगर अनुभूति प्राप्त करने के लिए अपने को अपने घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। ये दोनों गुरु अपने को प्रेरणा देते हैं, जो गए हो और जो आने वाले हो, लेकिन वर्तमान में अपने को वो प्राप्त करना पड़ती है अनुमति। और दूसरा ना ये गुरु का ऐसे शरीरों के दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, गंजा बाल वाला, ऐसे शरीर से उसके मत देखो। गुरु एक तत्व है, वो कल भी था आज भी और कल भी रहेगा। जो व्यक्ति अपने को खाली कर लेता है, निखालस कर लेता है, तो उसके अंदर से गुरु तत्व प्रभावित होने लग जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुरु बनने की क्षमता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुरु छिपा हुआ है, सिर्फ वो कितना अपने आप को खाली करता है उसके ऊपर निर्भर है। दूसरा देखा होगा ना आपने, कई बार गांव खेड़े के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे टीचर आपको बड़े गर्व से बताते हैं, अरे मेरा एक शिष्य करेक्टर है, मेरा शिष्य ऐसा है, मैंने शिष्य के ऊपर वो गर्व करते हैं कि मेरा शिष्य इतना बड़ा हुआ है। तो प्रत्येक गुरु ना अपने शिष्य को प्रगति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। मैं
हैं, कई इतने जैन साधु सागर जी को जानते हैं, तो वो लोग पूछते हैं मेरे को कि हमें ध्यान सीखना है, लेकिन वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, ये अभी प्रयोग दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के अंदर एक समर्पण नाम की पुस्तक है, जिसके अंदर एक शिविर का पुस्तक बना है। वो पुस्तक वो रोज पढ़ के सुना रहे हैं उनको, और वहाँ शिविर चल रहा है, अभी दिल्ली में चल रहा है। तो हम उसको सिखा सकते हैं? हाँ, वो पुस्तक पढ़ के सुना सकते हैं उनको, उनको पढ़ने से थोड़ी पा रही है। खुद मैंने भी उनको सिखाया हुआ है, बिना पंखे का बिना लाइट का, मतलब इतना पसीना पसीना आए तो मेरे कपड़े को निचड़ो तो पानी निकल गए, ऐसे पसीने की स्थिति में भी उनको जाके सीखा था। और वो लोग ऐसा मानते हैं जैन लोग कि अभी ये काल में मोक्ष नहीं है, तो उसके लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं? उनको ध्यान करना बताओ, बाद में खुद वो उनको ही जान लेंगे क्या है। वास्तव में क्या बोलूँ, मैं भी कुछ जैन मुनियों के साथ रहा, उसके बाद में उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ, और मैं जैन मुनियों का वो मैं आपको बैठूँगी जरा लंबा उत्तर। क्या होता है ना, जैसे आप देखा हिमाचल प्रदेश चले गए या कोई पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, तो वहाँ पे ना दो ही जाति हैं। दो जातियाँ मतलब एक वो जाति जो खुद लोकल आदिवासी हैं, वो अपने आप को पहाड़ी बोलते हैं, उसके बाद समझ लो आप गुजराती हैं, ये मराठी है, तीसरी मद्रासी है, चौथी केरल की, आप सबको बोलेंगे मैदानी। मैंने उनके यहाँ दो जातियाँ, एक जाति पहाड़ी और दूसरी जाति मैदानी, बाकी वो दूसरी और कोई जात को नहीं समझते, मैंने अपने को छोड़ के बाकी सबको वो मैदानी बोलते। उसी प्रकार से वो जो हिमालय में जैन गुरु हैं, वो बोलते हैं कि गुरु दो ही प्रकार के, एक वो गुरु जो सारा संसार छोड़कर के हिमालय में बैठे हैं यानी वो, और दूसरे वो जो सारे समाज के अंदर घूम रहे हैं वो, तो समाज को बोलते हैं कोयले की खदान। अब कोयले की खदान में तुम सफ़ेद कपड़े पहन के घूमो, काले कपड़े पहन के घूमो, नंगे घूमो, तो भी होने वाले काले ही ना। तो उनका क्या कहना है, जब तुम समाज के अंदर ही रहते हो फिर काय को भेदभाव करते हो कि ये स्थानकवासी उच्चन, दिगंबरवासी निच्चन, ऐसा मैंने उनका कहना है कि सब रह रहे हो तो एक ही समाज में, फिर काय को झगड़ते हो कि ये ऊंचा नहीं ये नीचा, तो सब एक जन कर आना चाहिए, सब इन्हें एक मिल करके ध्यान करना चाहिए, उनका प्रयास है, उनका प्रयत्न है। दूसरा क्या होता है, ऐसे प्रयत्न ऐसे प्रयास कुछ जैन मुनियों ने किए भी, लेकिन बाकी गच्छों ने उनका विरोध किया कि वो तो फराने गच्छे के, हम उस गच्छे में नहीं जाएंगे, और मैं कोई गच्छे का ही नहीं, मैं जैन ही नहीं हूँ, तो वो मेरे पास सब इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने में आप कल्पना करो जिन्होंने एक दूसरे का मुँह भी नहीं देखा, ऐसे लोग चार चार दिन तक एक स्थान पर रहते हैं, एक जगह रहते हैं। अब कई बार साधक मेरे को प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी उन लोगों का रिसीविंग इतना ज़्यादा क्यों अच्छा रहता है, हमारा क्यों कम रहता है? तो उनको उत्तर देता हूँ, वो 500 किलोमीटर चल के मेरे पास आते हैं, और मैं 500 किलोमीटर चल के तुम्हारे पास आता हूँ, तो उनका रिसीविंग तो बढ़े नहीं, तो 500 किलोमीटर चल करके वो शिविर में आते हैं। अभी हुआ था दांडी के अंदर शिविर, तो वहाँ पे वो इतना चल चल के आए, तो उसमें जिन मतलब स्थानकवासी सब प्रकार के सब अच्छे के सब जैन मुनि एक जगह एक छत के नीचे तीन चार चार दिन तक रहते हैं। तो मेरे गुरु ने यह कहा है ना, वो एकदम सत्य है, वो बोलते तुम्हारे पास में अनुभूति का ज्ञान है, और अनुभूति सबको समान होती है, एक जैसी होती है, तो सारे जैन मुनि चाहे स्थानकवासी हो दिगंबर, सबको अनुभूति तो एक जैसी होती है ना, तो आने के बाद में उनको अच्छा लगता है, वो ध्यान करते हैं मेडिटेशन। तो उनके लिए अभी दिल्ली के साधकों ने रास्ता निकाला कि वो समर्पण नाम की पुस्तक उनको पढ़ के सुनाते रहो, एक एक अध्याय एक एक अध्याय। नहीं, वो खुद भी पढ़ेंगे ना, अब हिमालय का समर्पण के तो 5-5 पार्ट उनको दिए हुए हैं, सब पढ़ते हो, लेकिन वो पढ़ेगा तो एक एक जने पढ़ेगा ना, लेकिन अगर आप पढ़ के सुनाओगे तो सारे जने भी सुनेंगे। ऐसा देखो, इच्छा होना सब में से रास्ता निकलता है, मैंने उसके अंदर सब नॉलेज है, सब ज्ञान है, पुस्तक के अंदर भी, पुस्तक भी पढ़ के दिखाई जा सकती है। नमस्कार स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे नज़र लगने में कितना सत्य होता है, जैसे हम कुछ नया ले रहे हैं तो बोलते हैं किसी को बताओ मत, या हमें बच्चा हुआ है तो बोलते हैं किसी को, लोगों को ज़्यादा बोलो मत, बोलते हैं लोगों का ध्यान उसमें जाता है। सिंपल बात है, अब जैसे अपने छोटे बच्चों को क्यों अलाउ किया इसके अंदर, बैठो नीचे बैठो, छोटे बच्चों की नहीं अलाउ किया। वास्तव में क्या होता है ना, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब वास्तव में जैसे हवन करते हैं ना वैसी प्रक्रिया है हवन। अब देखो मेरे को पूरे प्रवचन में खांसी नहीं है ना, तब आधी बात, लेकिन जब मैं जागृति कराता था मेरे को भी खांसी आ रही थी। तो मतलब क्या, ऑटोमेटिकली जब खराब कोई प्राप्त करते हैं तो उसको अंदर का सिस्टम बाहर फेंक देते हैं। तो वैसे ही अगर हम छोटे बच्चों को यहाँ अलाउ किया और छोटे बच्चों ने कुछ आवाज़ें निकाली, तो सब लोगों का चित्त वो बच्चे पे जाएगा। एक समझ लो एकदम मोटी बात कि चित्त ही खराब है,
किसी का भी अटेंशन ही खराब है। समझ लो आप सब लोग ध्यान करने बैठे, आपने आगे जोर जोर से चुड़ियाँ हिलाई या प्लास्टिक की थैली कुड़ 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 हो जाए, तो भी सबका चित्त अगर आपकी तरफ गए तो वो उसका बुरा इफेक्ट आपकी तरफ जाएगा। यकीन सबका बुरा ही जाएगा ना, कि हम अच्छा वाला ध्यान करें कौन चुड़िया बजा रही है, हम अच्छा वाला ध्यान करें कौन प्लास्टिक बजा रहा है, माने वो तो निगेटिव चित्त आएगा। पहले ही मनुष्य ही निगेटिव है, माने क्या बोलते हैं ना, तो जितना लोगों के चित्त से बचो उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना चित्त बचे, देखो कई बार रहता है ना, जैसे घर के अंदर ही बहू की डिलीवरी होने वाली है, उसको रात को 2 बजे भेजा है, घर के बाकी सदस्य पूछते 7 बजे भाभी कहाँ गई, घूमने गई, मॉर्निंग वॉक को गई, ये नहीं बताते कि उसकी डिलीवरी में उसको एडमिट किया है। क्यों? क्योंकि घर के मेम्बर्स का भी चित्त उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो जो है ना, मैंने जितना चित्त कम से कम लोगों का जाए ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ, ये मैंने खूब जगह टेस्ट किया है। आज तक दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने अपनी शादी एंजॉय नहीं की, ठीक है, किसी ने किसी नहीं की, भूत बन करके बैठे रहते हो, पंडित जी बोलता ये करो वो करो वो करो वो करो, पागल बनाए थे एक दिन में और उसके शादी हो गई, शादी वगैरह में पता लगता कि शादी हो गई वो। अरे किसी भी व्यक्ति, जबकि दूसरे की शादी में अपने खूब मजा मारा, दूसरे की शादी में गए खूब गाने गाए खूब ये करा खूब एंजॉय किया, लेकिन खुद की शादी में भूत बन करके बैठे थे, खुद की शादी किसी ने भी एंजॉय नहीं की। क्यों नहीं की? इसके ऊपर एक रिसर्च करो ना, इसलिए नहीं कि उस दिन सबका चित्त हमारे ऊपर था, इसकी शादी है इसकी शादी है इसकी शादी है। जब सैकड़ों लोगों का चित्त तुम्हारे ऊपर हो, तुम भूत बन जाते हो एक दिन में, तो मेरे पे तो लाखों लोगों का चित्त है। आप सोचो ना तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो कहने मतलब क्या, चित्त ही बुरा है, इसी का भी अटेंशन आपके ऊपर आता है तो उसका दुष्परिणाम आपको होता ही है ना। इसी कारण कोई भी अपनी शादी नहीं एंजॉय करता, दूसरे की शादी में खूब आनंद देता है। तो कहने मतलब जितने दूसरों के चित्त से बचो उतना ज़्यादा अच्छा है ना। इसलिए मेडिटेशन करने जाओ, ध्यान करने जाओ, तो वहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी मत करो कि दूसरों का चित्त तुम्हारे ऊपर आए। जय बाबा स्वामी, मेरे माता पिता नियमित रूप से समर्पण ध्यान करते हैं और मुझे और उनसे हमेशा बात करते हैं, तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मेरी चिंता होती है, मैं उन्हें बोलती हूँ आप जब ध्यान करेंगे तो स्वामी जी से ये बोलिएगा वो बोलिएगा, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं कर पाती है। तो हाल में मेरी एग्ज़ाम होने वाली है, तो अब परसों की बात है, मैं अपनी माता से कह रही थी कि आप स्वामी जी से बोलिएगा मेरे एग्ज़ाम में इस बार तो अच्छी हो जाए। मम्मी कहती कि नहीं नहीं मुझे मत बताओ मुझे मत बताओ, स्वामी जी ने कहा बच्चों में चित मत डालो, आपने ऐसा कहता। एक्चुअली क्या है, तुम तुम्हारे ऊपर निर्भर हो, उनके ऊपर डिपेंड मत हो, वो नहीं चाहती कि तुम उनके ऊपर डिपेंड रहो। जी स्वामी जी, तुम तुम्हारा ध्यान करो, उन्होंने तुमको सही रास्ता बता दिया, ये रास्ते से जाओ, जिस रास्ते वो गए तो तुम खाना खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा ना, उनका थोड़ी भरेगा। तो उसी प्रकार तुम ध्यान करोगे तुम्हारा स्थिति अच्छा होगा, तुम आत्मनिर्भर बनो, उसके पीछे का उद्देश्य यही है। जी स्वामी जी। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, ये करते देखो ना 30 मिनट, तुमको उसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि अपेक्षा के साथ ध्यान मत करो। कोई ध्यान कोई तुम्हारा नौकर है कि तुमने ऑर्डर दिए कि वो लगदम लग जाएगा, तो कहना मतलब क्या, ध्यान लगे या नहीं लगे आपको 30 मिनट बैठने हैं। और समझ लो अगर फिर भी विचार आ रहा है, मन विचलित हो रहा है ना, तो बार बार इसका मंत्र जाप करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका जाप करो ना आधा घंटा, तो भी देखो क्या फर्क पड़ रहा है। और 45 दिन करके देखो तो भी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा आजकल ना एक चिंता का विषय कि बच्चे बिगड़ नहीं जाए, बच्चों को व्यसन नहीं लग जाए, बच्चे को ऐसा नहीं हो जाए, बच्चों को व्यसन हो जाए, पूरी संगत नहीं चलेगा, उसका भी मार्ग यही है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। क्यों बताओ कि जैसे समझ लो कोई डाकू है, वो बैंक को डाका डालने के लिए जाते हैं, तो डाका डालने के पहले वो दारू पीते हैं, और दारू पी करके अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और उसके बाद में फिर वो डाका डालते हैं। यानी कोई भी बुरा कार्य करने का ना, तो बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होनी चाहिए, अगर बुरी ऊर्जा नहीं होगी तो बुरा कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे ध्यान करते हैं, बच्चे मेडिटेशन करते हैं, तो उनके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होगी, और सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होगी तो ऑटोमेटिकली उनके आसपास बुरा कार्य होगा ही नहीं। देखो क्या होता है, ये ओरा अभामंडल ये सब मैं बातें करता हूँ ना, तो लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते थे। आज से 15 साल पहले अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे सब बोले नहीं स्वामी जी ओरा तो आपकी कल्पना है, ऐसा है ऐसा है, ऐसा 15 साल पहले हुआ। अभी कुछ महीने मेरे अप्रैल के अंदर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में फिर कार्यक्रम हुआ, तो अभी क्या हुआ था मैंने, वो 5000 डॉक्टर्स आए थे उसमें, और बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था, उस स्टॉल के ऊपर ओरा का मशीन रखा हुआ था, प्रत्येक डॉक्टर जाके अपना ओरा चेक करता था, उसके बाद में मेडिटेशन कैंप करने के बाद में फिर ओरा चेक करता था, तो उसके ओरा में क्या चेंज आया क्या बदलाव आया वो मशीन बताती थी। तो कहने मतलब क्या है, अभी ना अध्यात्म का नाटक नहीं कर सकते, अभी ओरा के मशीन के द्वारा आध्यात्मिक स्थिति को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। अभी दिल्ली में मैंने सांसदों के सामने प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव ये रखा था कि
आप ना कोई भी बोले कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ तो उसको लाइसेंस जारी करो, मतलब जैसे अपन ड्राइविंग लाइसेंस रहता नहीं कि हाँ तुम ड्राइविंग का टेस्ट दिया अच्छा बराबर पास हो गए, एक साल के लिए तुमको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, उसके अलावा फिर एक साल बाद तुम्हारे चेक करेंगे, वैसे कोई भी बोले मैं आध्यात्मिक गुरु तो उसका पहले स्कैन करो ओरा, उसका अगर ओरा अच्छा है तो उसको एक साल के लाइसेंस दो कि आध्यात्मिक गुरु का लाइसेंस, अगर उसका ओरा खराब है उसको बोला घर बैठा तू ध्यान कर तू फिर तो उससे क्या होगा, मतलब कोई भी आध्यात्मिक गुरु का पतन नहीं हुआ। ये तो क्या होता है, मतलब क्या होता है जैसे दूसरे उदाहरण से बताता हूँ, एक पानी का ग्लास है उस गाले पीतल के ग्लास को आपने खूब मांझा खूब चमका दिया और चमकने के बाद में रख दिया तो दूसरे दिन देखोगे तो वो चमक नहीं रहेगी जो पहले दिन थी, क्यों, क्योंकि उसकी चमक धूल ने डस्ट ने खराब कर दी। उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरुओं का भी ये लोग ना खूब प्रचार करते हैं और उसके बाद में खुद का साधना छोड़ देते हैं, और होता क्या वो चमकाने का छोड़ देते हैं धीरे 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 जाकर फिर उनकी स्थिति खराब हो जाती है और स्थिति खराब होने वाले उनको तब पता चल जाता है उनका तो पूरा पतन हो जाता है तब। तो उससे बेस्ट क्या है अगर ऐसे लाइसेंस जारी किए जाए तो गुरु को बेचारे को पता लग जाएगा अच्छा मेरा पतन हो रहा है क्या, ठीक वो ध्यान करेगा घर बैठ करके, तो उससे साधकों का भी भावना दुखेगा नहीं, क्योंकि एक साथ एक गुरु का पतन हुआ ना उसके पीछे लाखों साधकों का भावनाएं हर्ट होती है। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा था, मैंने भी सांसदों का शिविर लिया था दिल्ली में, तो मैं ये प्रस्ताव रखा था कि ऐसे लाइसेंस इशू किए जाए आध्यात्मिक गुरुओं के लिए, तो उन्होंने कितना सीरियसली लिया कितना नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने मेरे प्रस्ताव रखा ऐसा होना चाहिए ऐसा। और दूसरा मैं ये जैन गुरुओं के शिविर देता हूँ ना उनको भी बोलता हूँ कि गुरु का अकाउंट विड्रॉल वाला है, रोज अगर विड्रॉल करोगे तो एक दिन बैंक करेक्ट हो जाओगे, तो कहने मतलब डिपॉजिट करो ना, डिपॉजिट कब करोगे तो कुछ दिन खुद की साधना अवश्य करो, जैसे मैं साल में 45 दिन अनुष्ठान करता हूँ एकदम एकांत में रहता हूँ, अभी भी जाऊँगा 20 जनवरी से जाऊँगा तो 7 मार्च को निकलूँगा, तो 20 मैंने वो 45 दिन में जो प्राप्त करता हूँ ना बाकी 330 दिन बांटता हूँ। तो ऐसा प्रत्येक गुरु ने अपनी खुद की निजी साधना करनी ही चाहिए तब जाके वो बचा रह सकता है, अन्यथा नहीं तो समाज कोई अच्छा थोड़ी है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उनके बुरे इफेक्ट हमारे पे भी आएंगे। और सफेद कपड़ा दिखने को जितना अच्छा लगता है ना उतना उसको मेंटेन करना उतना ही कठिन है। प्रणाम गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में जीवंत गुरु का आगमन हुआ है ये हमें कैसे समझता है? नहीं, आगमन से काफ़ी नहीं, अनुभूति होने के बाद में हमारा सर्चिंग बंद हो जाता है, अपन जो खोजते नहीं इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं उधर, ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, क्योंकि बाद में अब जैसे मैं आपके तरफ देख रहा हूँ तो मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम ना, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी भीतर की ओर दृष्टि चली गई तो हमको बाहर का दिखना बंद हो जाएगा, फिर अपने को किसी के भी दोष नहीं दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर नहीं हमारी दृष्टि अंतर्मुखी है, तो अंतर्मुखी दृष्टि होने पर भी ये पहचाने दूसरे के दोष दिखना बंद हो जाते हैं और खुद के दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जैसे लैंप के अंदर अगर दिया जा रहा है दिया जा रहा है तो क्या होगा आसपास कौन से कांच पे दाग है सबसे पहले अपने को दिखेंगे ना कैसे, तो हमारे में कौन से दोष है ना, ये जिस दिन दिखना आपको प्रारंभ हो गया उस दिन समझ लेना आपके आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो गई। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें जैसे कौन सी स्थिति में बैठना चाहिए, कोई प्लेस अच्छी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बैठ के ध्यान कर सकते, एकांत में बैठना चाहिए या कहीं लोगों के बीच में बैठ के भी कर सकते कि नीचे बैठ के करना चाहिए, कुछ आसन लिफ्ट करना शायद कहना चाहिए कैसे करना चाहिए? पहली बात तो जहाँ ज़्यादा लोगों को आना जाना है वहाँ पर मत करो एक, और दूसरा एखादे बगीचे में बैठो एखादे रूम में बैठो, आपके ना 15 फीट के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कुत्ते को लेके बैठे चलेगा बकरी को लेके चलेगा गाय को लेके बैठे चलेगा, आदमी नहीं होना चाहिए, सबसे दुष्ट प्राणी आदमी है क्योंकि वो खूब विचार करते रहता है, तो क्योंकि वो विचार नहीं ऐसा अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो जैसे बलून रहता है उसको अगर बंद करके रखा तो इतना सा रहता है, बलून अगर खुलते हैं तो फिर बड़ा हो जाता है, वैसे ऐसे जैसे प्रैक्टिस करोगे फिर धीरे 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 आपका खुद का ओरा 15 फीट का हो जाएगा, क्योंकि रोज आप वो ओरा बोलने का प्रैक्टिस करो, और मैं जो बात बता रहा हूँ ना आपको तब सत्य लगेगी जब वो 15 फीट में कोई भी व्यक्ति आते बराबर आपका ध्यान भंग हो जाएगा, मैंने आपके अंदर से ना एक साउंड छदा जाएगा ऐसे अंदर से साउंड शुरू होता है, तो उसके बाद में वो साउंड तब तक ही रहेगा जब तक आपके आसपास कोई नहीं, आपके 15-20 फीट में कोई भी व्यक्ति आ गया आपकी पत्नी आ गई पति है तो भी वो ध्यान भंग हो जाएगा, तो क्योंकि उसके प्रत्येक के अलग विचार रहते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करो और करने के बाद में फिर क्या बोलते हैं
फिर आपका ओरा खुद का बड़ा है। लेकिन मैंने ये सुबह का ध्यान व्यक्तिगत करो और शाम का ध्यान हफ्ते का ध्यान एक बार सामूहिक करो, जो सेंटर रहते हैं सेंटर पर जाकर सबके साथ ध्यान करो। तो उसमें क्या रहता है, उसका ये फायदा है, जैसे चार घोड़े हैं, चार घोड़े में एक आलसी घोड़ा है, बदमाश घोड़ा है, वो अगर हमें तो बाकी तीन घोड़े हमको खींच के स्टेशन पहुँचा ही देंगे। मैंने हमारी स्थिति हो या नहीं हो, सब लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमको भी वो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। समझिए आप जो शरीर छोड़ के ध्यान करवाते हैं, क्या ऐसा ध्यान आप मेलबर्न में करवा सकते हैं? नहीं, इसके अंदर करवाते नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे वैसे आपको वो होगा। क्या हुआ, अभी संथारा का डिक्लेयर हुआ था जब मैं जयपुर के अंदर था, तो जैन मुनि थे प्रणव सागर जी महाराज करके, उनके पास में वो ऐसे बैठे हुए थे, मैं उनके पास में बैठा था। उतने में वो एक कोई न्यूज़ चैनल वाला आया, उन्होंने उनको पूछा कि संथारा के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे धर्म के विरोध में, खूब मैंने उन्होंने उसका विरोध किया। मेरे को भी पूछा, उनको लगा ये कोई ढुड्ढाचारी इनके पास बैठा है, तो मेरे को पूछा। तो मैंने ना पक्ष में बोला ना विपक्ष में बोला, मैंने ऐसे इतना बोला कि जैन मुनियों को विश्वास में लेके ये डिक्लेयर करना था, एकदम आचार नहीं करना था ऐसा। वो जब चला गया उसके बाद में फिर मैंने वो जैन मुनियों को बताया कि हमारा संथारा का एक अलग पद्धति है, वो पद्धति के अंदर ये है कि मैंने जैसे अपन क्या बोलते हैं ना, खूब दिन तक उपवास करते 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 शरीर को मजबूत करते हैं प्राण छोड़ने के लिए, तो उससे अच्छा है कि खुद ही प्राण छोड़ दो ना, वो शरीर को क्या को मजबूत करने का। तो शरीर छोड़ करके ध्यान करना अगर कोई सीख जाए तो जब चाहे वो संधारा ले सकता है, पर डिक्लेयर करके कर सकता है कि मैं फलाने फलाने तारीख को रविवार को सुबह 8 बजे संधारा लूँगा, आ जाओ इसको आने का, सबको बुला करके 7:45 जाओ ध्यान में, छोड़ दो शरीर और बाद में आओ मत, शरीर में तो हो गया संधारा। मैंने शरीर छोड़ के ध्यान किया और शरीर में वापस नहीं आए तो संधारा हो गया, ऐसा तो तुम्हारे हाथ में वो करना। लेकिन उनको मैंने बोला ये सीखते हो क्या, तो बोले नहीं, लेकिन बीच में कभी ऊपर चले गए और नहीं आए तो मैं बोला हाँ, उसका कोई गारंटी नहीं। अरे क्या बोलते ना, वो एक हाथ वो होता है, एक हाथ अच्छी जगह चले गए फिर इच्छा ही नहीं होती नीचे आने की, मैंने कहा हो सकता है ऐसा। तो मैंने जब तक तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कार्य बाकी तब तक भी बोले नहीं, ऐसे चक्कर में हम नहीं पड़ते। तो बोले अब जैसे वो 45 दिन का अनुष्ठान करता हूँ, तो मैंने तो मेरा पूरा मृत्यु पत्र लिख करके फिर जाता हूँ, पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि कई बार ना इतनी अच्छी स्थिति रहती कि आने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन मैंने ट्रिक निकाली, मैं कुछ तो मेरे प्रोग्राम फिक्स कर लेता हूँ यहाँ जाने का वहाँ जाने का, तो ऑटोमेटिकली वो साधक इच्छा करते हैं कि मैं आना चाहिए आना चाहिए, तो उसके बारे में नहीं चाहिए था ऐसा, नहीं तो सचमुच वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। और दूसरा ना ऊपर से सब दिखता है, जैसे अभी यहाँ अगर हमने प्रयोग किया और गए ऊपर, तो वो छत पे से नीचे का सब दिखता रहता है, कौन बैठा है कौन क्या कर रहा है क्या, लेकिन अपने को नीचे नहीं आ जाता है ऐसा। लेकिन ये छत पर कुछ बीच में आड़े नहीं आता उसके, लेकिन उसके अंदर अगर मैं ऐसे बता के रख रहा हूँ तुमको, अगर पुरुष गए वो ध्यान के, तुमको एक दिन ऑटोमेटिकली वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अगर पुरुष ध्यान की स्थिति में गए तो मैं मर जाऊँगा ऐसा करके तुम बाहर आ जाओगे तुमको ऐसा, क्योंकि कुछ लोग मेरे आधे रास्ते से भाग के आ गए, वो मैं मर जाऊँगा ऐसे करके भाग के आ गए। मरते मरते नहीं, मरता है अपना अहंकार, लेकिन वो अहंकार अपने को मिसगाइड करता है, तू ही मर जाएगा करके एक। और अगर स्त्रियाँ अगर उस स्थिति में गई तो मैं उसके लिए मैंने पवित्र नहीं हूँ, उतनी शुद्ध नहीं होगी उस स्थिति में जाऊँ, ऐसा करके तुमको फीलिंग होगा तुम नीचे जाओ ऐसा। तो ऐसा अगर कभी स्थिति स्त्रियों का है तो ये गिल्टी फीलिंग मत आने देना, और पुरुषों का है तो मैं मरूंगा करके डर के भाग के मत आना ऐसा। मैं ये पूछना चाहता था कि ये चित्त हमेशा बुरा ही होता है क्या, या लोगों का चित्त अच्छा भी हो सकता है, किसी की अगर किसी के ऊपर किसी का चित्त जाता है तो वो अच्छा भी अच्छा भी हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ, क्या हुआ मतलब मैं आजकल डिलीवरियाँ करा रहा था, डिलीवरी करा रहा हूँ मतलब एक शादी का है, वो उसके पास सब डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन आती है, फिर वो मेरे को व्हाट्सएप करके भेजती है और व्हाट्सएप करके फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। और हमारा प्रयत्न रहता है सब डिलीवरियाँ नॉर्मल, जैसे कहते डिलीवरी को डॉक्टर ने बोला कि आधा घंटा के अंदर इसका सर्जरी करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि नहीं एक आधा घंटा टाइम हमको दो, आधे घंटे में नहीं हुआ तो फिर सर्जरी करना, तो आधा घंटा अटेंशन रखते हैं आधा घंटा चित्त रखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मैंने उसके बाद में अभी एक केस ऐसा हुआ कि बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि शाम तक उसका क्या बोलते हैं आईसीयू में रखने का स्थिति होगा ऐसा। तो वो उसने मेरे को एसएमएस किया कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद मैंने वो सांस के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर कुछ बात नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ आशीर्वाद दिए वो लड़के को, जैसे आशीर्वाद दिए वो एक मिनट में उसका एसएमएस आया उसका सांस नॉर्मल हो गया।
फिर उसने मेरे को प्रश्न पूछा, स्वामी आपका सिर्फ चित्त जाने से कैसे नॉर्मल हो गया? तो मैंने बोला पवित्र और शुद्ध चित्त से सब कुछ संभव है। और पवित्र और शुद्ध चित्त का संबंध, मैं 20 साल हो गए मेरे को समाज में आए, 20 साल में क्या मेरे को बदमाश लोग नहीं मिले होंगे, मेरे को बुरी घटनाएं नहीं मिली होंगी? सब कुछ होने के बाद में मैंने मेरे चित्त को दूषित नहीं होने दिया। अगर अब आपके चित्त को शुद्ध रख पाते हैं तो सशक्त और स्ट्रांग तो खुद ही हो जाते हैं। तो अगर ऐसे